हेलो गाइस, वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। तो हमने देखा दो क्वेश्चन हमने पहले किए थे, और ये थर्ड क्वेश्चन है आपका 2.2 का। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप जो कर रहे हैं तो उसको रेगुलर कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। तो फिर इन्होंने क्वेश्चन करा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इस तरह का होना चाहिए। जिसकी साइड जो है ना, ये दोनों इक्वल है और ये साइड हमारी बेस, जिसको बेस कहा गया है, वो 4/3 है। ओके, और ये हमें मालूम नहीं दोनों। तो जाहिर सी बात है, ये टोटल हमारा जो पैरामीटर है वो ट्राइंगल का दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 4/2/15। तो हमको ये दोनों साइड पता करनी है। दोनों साइड पता करने के लिए बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। जब हमें कुछ पता नहीं होता वहाँ क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट किया हमने क्या, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड, लेट द लेंथ इज वन साइड, इज वन साइड इज इक्वल टू एक्स। तो एक साइड हमारी एक्स है, जाहिर सी बात है ये हमने एक्स मान लिया। तो जाहिर सी बात है जब सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दूसरी साइड भी क्या होगी, एक्स ही होगी, एक एक्स। ये दोनों इक्वल हैं, ये बात क्वेश्चन के अंदर कही जा चुकी है। रिमेनिंग इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स हैं तो ऐसे स्क्वेयर में पता ही है हमें, दो दो साइड इक्वल होती है, एक डिफरेंट होती है। तो दोनों जब एक एक्स माना जाएगा तो दूसरा भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स है। अब हम इसमें देख लेंगे क्या पैरामीटर फॉर्मूला क्या होगा इसमें। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/2/15 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो अब हमें क्या करना है सिर्फ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड्स को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल साइड यानी तीनों साइड को जोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक साइड ये, एक साइड ये, एक ये, तो तीनों को सम कर देंगे, एक्स प्लस 4/3 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 4/2/15। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी सेंटीमीटर यहाँ पर। इसको हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को प्लस कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, और ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये इधर चला जाएगा हमारा, वन साइड कर देंगे। यानी लाइक और अनलाइक, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में कर लेंगे, तो 15 फोर से कितना होता है 60 ओवर 2 ऐड कर देंगे तो 62 बाय 15 ये हमारा बना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 है, इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें ये करना होगा। ठीक है, तो हमने लिया एक्स, 2x को यहीं रखेंगे, हमारा ये पोर्शन इधर जा रहा है तो इक्वल का साइन पहले आएगा और 62 इस तरह से लिखा जाएगा सेम। मैंने इसको यहाँ रखा और ये लिखना नहीं है, सिर्फ इक्वल का निशान लिखा, फिर ये हमने लिखा और ये हमें यहाँ लाना है, तो ये प्लस वाला माइनस में होगा। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब साइड चेंज की जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, ये यहीं किया हमने सेम। अब क्या देखेंगे, अब इसमें हम डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, अब ये हम इसको प्लस और माइनस तभी कर सकते हैं रेशनल नंबर में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम कर लिया जाए। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये 15 है, ये 3 है, दोनों ऐसे नंबर हैं जो सेम टेबल में आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो हमारा आएगा अगर एलसीएम निकालेंगे तो 15 ही आएगा। चेक कर सकते हैं इसको, साइड में चेक कर सकते हैं, 15 लिया हमने और 3 लिया, उसको हमने फैक्टर किया 3 से, 3 5 15, 3 1 3, फिर 5 से लेंगे इसको, 5 1 5 1, तो 3 5 15 आया हमारा आंसर। तो 15 हमने इसको एलसीएम में लिया, 2x = 15। ये 15 है, इस नंबर को यहाँ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 15 1 15, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 ही आएगा, और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है तो 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये किस कंडीशन बनी है जो बहुत इजी है, कर सकते हैं बहुत आसानी से, माइनस करेंगे इसको तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा जाएगा 62 को 62 से 20 माइनस किया जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो 42 बाय 15। ठीक है, अब ये हमारे पास 2x है, इस 2 को भी इधर लाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में होगा, इसको कर लेते हैं यहाँ पर, x = 42 बाय 15 × 2। क्यों, क्योंकि ये x से 2 मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, मल्टीप्लाई करने के अब साइड चेंज हुई तो ये क्या हो रहा है, डिवीजन में चला गया 42 से, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ 42 से डिवाइड में आ गया, तो 2 के टेबल से हम इसको 42 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 21 आया, और ये हमारे पास 15 है या 21 है, दोनों ऐसे नंबर हैं जो हमारे 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं इजीली। तो 3 के टेबल से हम करेंगे इसको, 3 5 15 और 3 7 21, तो वी विल गेट 7 बाय 5, इट्स आंसर। तो ये क्या हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हुआ कि अगर हमें x हमारा यानी एक साइड हमारी क्या होगी 7 बाय 5, तो ये हमारे पास इस तरह का ये आंसर आया x की वैल्यू। अब हम इसमें देखें, ये आपके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये देखें कि हम इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके देख सकते हैं क्या इस 7 बाय 5 और 7 बाय 5 और हमारे पास क्या है थर्ड साइड 4 बाय 3, इन तीनों को अगर ऐड करें हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये 62 बाय 15 आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारा आंसर सही है, हम चेक कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है, खुद से करके देखें, चेक करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया सम ऑफ टू नंबर इज 95, यानी दो नंबरों को सम कर दिया जाए तो 95 मिलेगा, तो उसमें से एक नंबर हमारा क्या हो रहा है 15 बड़ा हुआ है, यानी एक नंबर ऐसा है जिससे कम है 15 से और वो 15 ज़्यादा है, तो दोनों का नंबर का वो नंबर हमें पता करने हैं वो क्या है। तो अब जब हमें मालूम है ऐसी कंडीशन में जहाँ हमें पता नहीं होता है क्या है तो हम वहाँ मान लेते हैं, मैथ का ये रूल है, हम मान लेते हैं, कर लेते हैं लेट। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या होगा हमारा लेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर इज एक्सीड कर रहा है कितना 15, बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको x + 15। दो नंबर हमारे पास आ गए, एक नंबर x है, दूसरा नंबर x + 15, ये एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है। अब इन दोनों का सम 95 है तो हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ दोनों नंबर को सम कर दिया है तो हमारे पास दोनों नंबर सम होंगे, x को भी हम सम करेंगे, एक नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है x + 15 और दोनों किसके बराबर आएंगे 95। ये दोनों x + x, ये 15, ये एक नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर है खुद, और ये एक नंबर, इन दोनों को सम किया तो 95। अब हम इसको कर लेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है सम करना है तो सम करना है, ये दोनों प्लस किए तो 2x ऑब्वियसली, और ये हमारा 15 हुआ। अब हमें पता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो एक्स जब हमें पता करना है तो जाहिर सी बात है सारा जितना भी नंबर है वो सब दूसरी साइड चला जाएगा, दूसरे मोहल्ले में चला जाएगा, यहाँ इसको अकेले को एक्स रहना है, तो इक्वलिटी में लाना है इसको। तो हमने क्या किया, 15 को पहले ले जाएंगे वन बाय वन, वन बाय वन। तो 2x इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस 15 को इधर लाना है, तो हमने 2x लिखा, उसके बाद इक्वल लिखा, फिर 95 लिख लेंगे, और उसके बाद इसको माइनस में 15 में क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइड चेंज हुई है, साइड चेंज होने पर साइन भी चेंज होगा, तो चेंज कर दिया। तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 15, तो हमारे पास कितना बचेगा 80। फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x बाय 2 हमें मालूम है या बताने की ज़रूरत नहीं है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इधर साइड चेंज करेगा तो ये 80 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, हमें मिलेगा 2 × 2 और ये 40 हमारा आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 40। प्रूव दैट। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा और आपको ये सॉल्व करना है, और इसमें जो है आपको देखो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पर जो ही क्लिक करना है। ये हमारा जो चैनल है, इस तरह के जो क्वेश्चंस सॉल्व कराते रहेंगे एनसीईआरटी के रेगुलर, और हमारी वीडियोस भी बने रहिए।